नमस्कार, मैं संजय पत्की, स्वर स्वामी ऑफिशियल और स्वर स्वामी नंबर एक, इस दोनों चैनल के माध्यम से आपके समक्ष फिर एक बार हाजिर हूं। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि पंचम से पंचम की रियाज आपको किसी ने मुझे पूछा था, सर ये पंचम से पंचम कौन सा है? मंत्र सप्तक से मध्य सप्तक का। फिर सर मध्य सप्तक टू तार सप्तक के पंचम में फिर कैसा करेंगे? मैंने बोला तू पहले 2 साल इसके अंदर रियाज कर, उसके बाद में तेरे को मालूम पड़ेगा। हमको वो चीज नहीं, हमको आज ही चाहिए सर। प, 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 ऐसा नहीं होता, पहले इसको कीजिए नेचुरली, शने शने धीरे धीरे आपका गला उसमें कन्वर्ट होते जाएगा, आपको वो धैवत भी नजदीक लगने लगेगा, षड्ज भी नजदीक लगने लगेगा। उसका टेक्निक है, उसका टेक्निक जब तक आप गुरु के सानिध्य में उसके औरा में जब तक आते नहीं, तब तक आप, मैं कितना भी बोलूं ना आपको, पूरा राज भी खोल दूं यहां पे, तो भी आप कर नहीं पाओगे। क्यों? कि उसका सही मायने में देखो, आप चाहे लाखों वीडियो देखो, लाखों किताबें पढ़ो, कौन गायक बना है? जो आदमी गुरु के साथ में रहा है, 4-4, 5-5, 6-6 साल उसकी छाया के साथ में रहा है, वही आदमी छत्र छाया में पला है और वही गवैया बना है। गवैया बना नहीं बना बात की बात है, लेकिन वो क्या गा रहा है उसको खुद में समझ में आने लगता है कि मैं कितने लायक हूं, क्या कर रहा हूं, कहां तक पहुंच सकता हूं। और कलाकार बनना ना बनना, ये तो यहां पे बात होती है। हा? कई ऐसे मेरे से धुरंधर कलाकार पड़े हुए हैं, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा हूं, लेकिन मैं जो भी कुछ हूं, मैं अपने आप में मैं सेटिस्फाइड हूं। और मैं यही काम करना चाहता हूं कि मेरे पास में जो मेरे उस्ताद ने दिया हुआ है, वो आपके समक्ष, आपके अंदर में, उसको बोना बोलते हो, बोने की कोशिश कर रहा हूं। आप किताब पढ़ के, किसी का सुन के, 2-4 इधर उधर बातें सुन के खुद को बिगड़ाओ मत। कुछ लोग जो मेरे पास में है, ऐसे ऐसे लोग सीखने आते हैं जिनको कुछ मतलब दूसरे रास्ते से गए थे, फिर खींच के ले आना पड़ता है ये रास्ते पे। तो भैया कुछ लिखा हुआ जो रहता है पहले से, उसको मिटाने के बाद में नया कुछ अगर करना है, तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड फिर से देखो, इसके ऊपर वो है ही है। अगर ये पूरा साफ रहता तो मैं उसके ऊपर जो भी लिखूं वो पहले मेरा प्रिंट हो गया रहता। वैसे आपका क्या हो गया है, एग्जाम देने के चक्कर में आप पूरा गला वहां पे उसका बना दिया, लेकिन अभी उसको अगर जागे ला, डरने की कोई बात नहीं है, ये इस सिस्टम से हो सकता है। फिर से मैं बोलता हूं कि साइकोलॉजी, अब मैं दूसरे विषय पे आ रहा हूं कि हर दिन हर वक्त आपको आपकी आवाज जो भी मिली है उसमें चेंजेस आते रहते हैं। आप कहां रहते हो, कितना सोते हो, क्या खाते हो, आपकी मानसिक अवस्था क्या है, आपके साथ में कुछ ऐसी बात हो गई जो डर के कारण आपकी आवाज बैठ जाती है। देखो साइकोलॉजी होती है पूरा, आपका रिकॉर्डिंग है तो आपको अगर मालूम पड़ गया, आपका प्रोग्राम है तो आपकी आवाज में आज थोड़ा सा आवाज खराब है, किसी ने बोला गाना बोलो तो नहीं नहीं पहले पहले इसको बोलने दो, ये सब क्या है? शादी ब्याह में जाके भाई बैठते हो तो देखो कि सब बैठे रहते, तो पहले हाँ चल गाना बोल, नहीं नहीं आज की नहीं, आवाज थोड़ी खराब है। जब वो दूसरा तीसरा बोल के आता है तो उस वक्त मैं कब बोलू, मैं कब बोलू, मैं कब बोलू, ये बात होती रहती है उसके, मेरे को नहीं पूछते, वहां पे आने के बाद रोक देना, तू मत बोलना, वो खुद ही छोड़ जाता है पहले से। ये मेंटेलिटी होती है कि पहले हिम्मत नहीं बनती, बाद में माहौल बनने के बाद में ऑटोमेटिकली रेंज बढ़ने लगती है अंदर ही अंदर की, मैं तो बहुत अच्छा, फिर चालू करता हूं जैसा भी बोलता हूं, लेकिन उसको पहले बार बोला तो उसका हिम्मत नहीं पड़ा था। साइकोलॉजी, ये सब आदमी के थ्रोट पे असर डालती है। अब पॉइंट की बात यह है कि ये मत समझना आवाज बदलती है, माइंड सेटअप बदलता नहीं है। माइंड सेटअप के कारण आवाज बदलती है, सुर चेंज नहीं होते हैं। षड्ज की जगह षड्ज ही लगेगा, चाहे वो ऐसा लग सकता है, चाहे ऐसा लग सकता है, चाहे ऐसा लग सकता है। आपका वॉइस क्वालिटी, वॉइस कल्चर, आपने मुंह ऐसा कर दिया तो ऐसा लगेगा, ऐसा कर दिया तो ऐसा लगेगा, आपके अंदाज से, लेकिन सार रहेगा वही। उसका टोनल क्वालिटी बदल सकता है, उसका पीच वही रहेगा, जो कि पैरामीटर उसका तय है वही रहेगा। आपकी आवाज
आपने जिसको भी दिमाग में रखा है, जिसका गाना भी दिमाग रखा है, उसके हिसाब से वो आवाज आपका वॉइस मॉड्यूलेशन होते रहेगा। लेकिन आपके गाने में अगर सापो मगरे सामगरे सा, ये सापो मगरे सामगरे सा, दोनों में फर्क क्या है? पहला जो था सप मगरे, ये अलग है, सप मगरे सम गरे सा। तीसरा सप मगरे सम गरे सा, तीनों भी आवाज में फर्क है। सुरों में फर्क है क्या? नहीं, सुर तो वही है। अगर ये भी सप मगरे सम गरे सा, अब ये तो फॉल्सी टोन है, लेकिन सुर तो वही लगे, सप मगरे सम गरे सा करके देखो, सा प म क रे सा म का रे सा लगा के देखो। रियाज क्या करूं सर? रियाज यही है, सोच, अपनी सोच बढ़ाओ कि सा प म ग रे सा म ग रे सा। बार 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 ये चीज करने से यहां पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये कुछ नहीं चेंज होता है, खाली वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। जैसे भी आप दिमाग में किसको रखते हो, इस हिसाब से सब टर्न होता है। आज के वीडियो में मैं ये विषय यहां पे क्लोज कर रहा हूं कि बच्चों को जाने का घर में लिए, इसलिए अगले वीडियो में इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूंगा, यही विषय को कि वॉइस कल्चर, वॉइस मॉड्यूलेशन, ह्यूमन साइकोलॉजी, म्यूजिक के बारे में या फिर जनरल, और फिजियोलॉजी ऑफ द थ्रोट, ऑफ द वॉइस, ऑफ द स्वर, क्या बोलते उसको, वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड के बारे में फिर बोलूंगा। फिर एक बार बोल देता हूं, ये चित्र आपको दिखा देता हूं कि यहां पे हम लोग जब सांस लेते हैं तो ये चित्र, ये सांस लेने के बाद में हमारे वोकल कॉर्ड यूं खुल जाते हैं। जब सांस रोक के रखे तो वो यूं अवस्था में आते हैं। अब जब बात करते तो यहां से वो हवा लिख लिख होते हुए यहां पे और यहां पे, यहां पे श स ह ड, यहां पे त थ द ध न, बाकी सब स्वर और व्यंजन इसमें आते हैं। ये इसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगा। आपको खाली इतना ध्यान में रखने का है कि हमको ये चीज, ये नाक, ये मुंह, ये हंकार, हंकार ही करो। हंकार के आगे भूल के भी जिंदगी में मत लगाओ, क्योंकि आपका नुकसान उसी से होता है। आपको हंकार करना है, अहंकार नहीं करना है। जैसे भी चलना है चलो, ऊपर वाला देख रहा है, वो ध्यान देता है, वो आपको उस मुकाम पे ले जाएगा जितना आपने अपने तकदीर से पाया है। ठीक है, तब तक के लिए जय गुरुदेव, नमस्कार।